गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंडरलैंड पब्लिक स्कूल. टुडे इज 8th of August 2020 एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2. स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड आवर सेकंड चैप्टर नेमिंग वर्ड्स एंड इन दिस लेसन यू हैव लर्नड दैट ऑल द पर्सन्स प्लेसेस एंड थिंग्स एंड एनिमल्स हैव देयर नेम्स एंड ऑल द नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स. ऑल दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं. ओके, टुडे वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. कि हमारा आज का टॉपिक है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए. नाउ यू नो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं. फाइव ऑफ दीज आर कॉल्ड वॉवल्स और उनमें से फाइव लेटर्स क्या कहलाते हैं, वॉवल्स कहलाते हैं. ये वॉवल्स कौन कौन से, देखिए, ए ई आई ओ यू, ये फाइव लेटर्स क्या है, वॉवल्स. द रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट्स और जो रिमेनिंग 21 लेटर्स हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. तो रिमेनिंग लेटर्स कौन कौन से, देखिए, बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन पी क्यू एस टी वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई. ये रिमेनिंग लेटर्स क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि वॉवल्स कौन से और कॉन्सोनेंट्स कौन से, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. ओके, राइट द लेटर विथ विच ईच वर्ड बिगिंस, इज इट अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट. स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि इन पिक्चर्स की स्पेलिंग कौन से लेटर से स्टार्ट हो रही है. द फर्स्ट पिक्चर इज एप्पल. किसका पिक्चर है ये, दिस इज एन एप्पल. तो एप्पल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, ए से, और ए क्या होता है, वॉवल. दिस इज अ डॉग एंड डॉग्स स्पेलिंग इज स्टार्ट विथ डी. तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट. दिस इज अ काइट एंड काइट स्पेलिंग इज स्टार्ट विथ के. के क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट. दिस इज अ गॉट. गॉट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, जी से, और जी क्या है, कॉन्सोनेंट. दिस इज एन अम्ब्रेला. क्या है ये, अम्ब्रेला है. और अम्ब्रेला की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, यू से. यू क्या होता है हमारा, वॉवल. दिस इज एन एग. एग की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, ई से, और ई क्या है हमारा, वॉवल. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो पिक्चर्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं आपको वॉवल पे टिक लगाना है, और जिन पिक्चर्स की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है आपको कॉन्सोनेंट पे राइट का मार्क करना है. स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेमिंग वर्ड्स बिगनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड टेक अ बिफोर देम. स्टूडेंट्स, वो नेमिंग वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके पहले आप क्या यूज करेंगे, ए. एंड नेमिंग वर्ड्स बिगनिंग विथ अ वॉवल साउंड टेक एंड बिफोर देम. और जितने भी नेमिंग वर्ड्स जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, जिनका साउंड वॉवल होता है, आप उनके सामने क्या फिल करेंगे, एन. ए और एन का यूज़ करना आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, यहाँ हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ हॉर्स. हॉर्स की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, एच से, और एच का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड. तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, ए. शॉप. शॉप की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, एस से, और ये भी कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है. तो आप यहाँ पर ए फिल करेंगे. प्लेयर. प्लेयर की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, पी से, और पी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट. तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे, ए. टाइगर. टाइगर से स्पेलिंग इज स्टार्टेड विथ टी एंड टी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, सो वी विल फिल ए बिफोर टाइगर. दिस इज अ कॉर्न. कॉर्न की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, सी से, और सी भी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ पर भी आप ए फिल करेंगे. यहाँ देखिए एस. एस की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ए से, और ए क्या है आपका, वॉवल. सो वी विल पुट एन बिफोर एस. दिस इज एन ऑफिस. ऑफिस की स्पेलिंग देखिए किससे स्टार्ट हो रही है, ओ से, और ओ क्या है, वॉवल. तो यहाँ पर भी आप क्या फिल करेंगे, एन. अंपायर. अंपायर की स्पेलिंग यू से, और यू क्या है, वॉवल. तो यहाँ आप क्या फिल करेंगे, एन. एलिफेंट. एलिफेंट की स्पेलिंग ई से, ई भी क्या है आपका, वॉवल. तो यहाँ आप एन फिल करेंगे.
आइसक्रीम, आइसक्रीम की स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है और आई भी क्या है आपका वॉवल है, तो आप यहाँ पर एन फिल करेंगे. स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको पुट ए और एन बिफोर ईच, यहाँ पर भी आपको ए और एन फिल करने हैं, इसी तरह से ए और एन को कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स नाउ लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट यू सी इन ईच. स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और उन पिक्चर्स को आपको देखकर बताना है कि उन पिक्चर्स में आप क्या क्या देख रहे हैं और आपको उन पिक्चर्स के जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उनके साथ आपको ए और एन का यूज़ भी करना है. सबसे पहले देखिए ये पिक्चर. इन दिस पिक्चर यू कैन सी मंकी, ट्री, मैंगो, बॉय एंड बर्ड. ओके तो आपने क्या क्या देखा. सबसे पहले ट्री, अ ट्री, ट्री टी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग ए लिखेंगे. मंकी, ए मंकी. बॉय, अ बॉय. बर्ड, अ बर्ड. देन मैंगो, अ मैंगो. ओके स्टूडेंट्स नाउ सेकेंड पिक्चर. सी दिस पिक्चर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर एन अम्ब्रेला, एन ओल्ड मैन, एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड एन एग. सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए. सबसे पहले एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी दिख रहा है आपको, एन ओल्ड मैन. उसके हाथ में क्या है, एक अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला. हम लोग यहाँ पर एन एन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वॉवल से. ओल्ड, ओल्ड की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, देखिए ओ से. ओ क्या है, वॉवल. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है, यू इज़ ऑल्सो अ वॉवल. उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बास्केट है और बास्केट में क्या है, एग. एग भी क्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से. तो यहाँ पर आप एन फिल करेंगे, एन एप्पल एंड एन ऑरेंज. नाउ सी द थर्ड पिक्चर. इन दिस पिक्चर यू कैन सी जिराफ, ऑस्ट्रिच, स्नैक, एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल. सो व्हाट विल यू फिल हियर. स्नैक, अ स्नैक. एलिफेंट, एन एलिफेंट, बिकॉज एलिफेंट्स पिक्चर स्पेलिंग इज स्टार्टिंग विथ ई एंड ई इज अ वॉवल. अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल देखिए, दिस इज अ क्रोकोडाइल, अ क्रोकोडाइल. अ जिराफ, जिराफ स्पेलिंग इज स्टार्टिंग विथ जी एंड जी इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी विल फिल ए हियर. एन ऑस्ट्रिच, एन ऑस्ट्रिच. स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज टॉपिक्स. बाय, सी यू टुमारो विथ नेक्स्ट टॉपिक.